Question number 15. Which one of the following is the wrong statement? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने लिखे हैं, उसमें से पूछा गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. पहला है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ एम है मास, वी है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. बिल्कुल सही है. और एच होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट, लैम्डा होता है वेवलेंथ. दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाए. हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल सही है. हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी टूअर ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट. बिल्कुल सही है. हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं. द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन एटम्स के केस में 2s की एनर्जी 2p से कम होती है. देखिए इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज नो स्प्लिटिंग of orbitals into greater and lower energy orbitals. Hence the 2s and 2p orbitals have same energy. In case of hydrogen like atoms, ठीक है. देखिए और दूसरी चीज ये भी कि हाइड्रोजन में आपके पास सिर्फ 1s होता है, तो आगे के जितने भी आप शेप्शल्स या ऑर्बिटल्स की बात आप करेंगे उनका जब जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं हाइड्रोजन के केस में, तो उनकी एनर्जी वो इक्वल मानी जाएगी. जब वो एग्जिस्टेंस में आते हैं तब उनका एनर्जी डिविजन होता है. तो इस केस में हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है.